हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और टॉगल विद दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डेली व्यू फॉर 9th अक्टूबर। कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा हम लोग ये देखेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में भी हम लोग उसके लेवल के बारे में बात करेंगे। उसके पहले ये चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग देखते हैं निफ्टी कैसे रहेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो आज का एक जो कैंडल है, आज का है जो एक बाइंग प्रेशर कैंडल बना हुआ है, एक हैमर जैसा है। लेकिन हम लोग और भी इसको स्टडी करेंगे। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 10,200 का एक सपोर्ट है वीकली व्यू में। तो देखिए कि हम लोग डेली में भी देखते हैं वो सपोर्ट मार्केट ने कैसे लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए डेली का चार्ट जो है कि इंट्राडे का चार्ट रहता है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स का कैंडल के भी 5 मिनट्स का कैंडल भी उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है और बहुत अच्छा उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए भी, आने वाले दिन के लिए भी हमको 10,200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। रेजिस्टेंस दोनों भी तरफ वही लेवल पे मार्केट ने लिया है। लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 10,424, यहाँ पे यहाँ तक आया भी नहीं मार्केट। अगर कल आपको तेजी करनी है तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आप इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। तो और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का जैसे मैंने कल एनालिसिस किया था, अगर वीकली व्यू आपने देखा नहीं होगा तो आप एक बार जाके देखिए। ये जो था, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन डाला था, आज वही लाइन वही जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया है। अगर ये बाउंस बैक है या फिर शॉर्ट कवरिंग, अगर आज के आज जो क्लोजिंग दिया उसके ऊपर अगर कल क्लोज होता है तो मार्केट एक 10,424 के ऊपर जाने में कल सक्सेसफुल होता है तो 10,585 जो लेवल है यानी 10,600 के आसपास जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में अगर ये हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है या फिर मार्केट कवर हो रहा है, बॉटम आउट हो रहा है, ये बताऊंगा। फिलहाल अगर मार्केट पॉजिटिव भी होता है तो 10,585 के आसपास जा सकता है। नीचे सपोर्ट वही रखना चाहिए आपको। अगर आज क्लोज हुआ है तो आज का जो 10,321 है कल के लिए आप एक सपोर्ट लेके जा सकते हैं नजदीक वाला। और जो मेजर सपोर्ट है 10,200 ही अपना निफ्टी का हो सकता है। अभी तक निफ्टी का वॉलेटिलिटी जो है कम हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे एनएससी का वेबसाइट पे जाके, तो निफ्टी का अभी तक वॉलेटिलिटी कम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए कि ये जो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है अभी 18 है, जब भी मार्केट स्टार्ट था जब भी 20 के ऊपर गया था। और यहाँ पे एक कॉल का मैंने दिखाया आपको, एक कॉल साइड का और पुट साइड का, तो 20 है। तो ये बहुत मैक्सिमम वॉलेटिलिटी है, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे का भी चार्ट देखते हो तो देखिए कि कितना मार्केट में मूवमेंट हुआ था ऊपर नीचे। लेकिन आपको डेली के चार्ट में खाली आपको छोटा कैंडल दिख रहा है बॉडी, लेकिन उसका हाई और लो बहुत था। यानी मार्केट एक बार बहुत नीचे भी गया था दिन में, ऊपर भी गया था और थोड़ा अपर साइड में क्लोज हुआ। तो ये थोड़ा पॉजिटिव कैंडल है, सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट। हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी मैंने वीकली में भी जो आपको लेवल बताए थे तो लेवल के आसपास ही है। अच्छी बात है, मार्केट ने 24,477 के ऊपर क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने। लेकिन यहाँ पे देखिए 24,731 जो मैंने कल लेवल निकाला था उधर ही जाके बैंक निफ्टी वापस नीचे आया। तो अगर कल 24,731 के ऊपर ही अगर ये ओपन होता है या उधर ऊपर दिन में जाता है तो वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो। ये 24,992 यानी 25,000 के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा एक फ्री ट्रेनिंग सेशन भी चलते रहता है एवरी सैटरडे बिटवीन 5 टू 7। तो इस आने वाले सैटरडे 13 अक्टूबर को हमारा ठाणे में एक फ्री ट्रेनिंग रहेगा। तो ये ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं। जो भी लोग मुंबई के नजदीक रहते हैं तो ये 2 घंटे का हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है, वो आप उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक है कि जिन्होंने आज निफ्टी को ऊपर लेने में मदद की है, उसमें रिलायंस। तो रिलायंस के बारे में मैंने कल बताया था कि जो उसका सपोर्ट जो है 1030, तो उसके नीचे जाएगा तो बहुत डाउन जा सकता है। लेकिन वही सपोर्ट लिया उसने
तो एक जो लेवल में देखिए कि अगर आप इंट्राडे में देखते हो तो स्टॉक को देखिए, अगर आपको लेवल पे ट्रेड करना आता है तो आप इसमें भी इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते थे। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का या प्राइजेशन का पावर रहता है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस ने बहुत अच्छी तरह 1030 के ऊपर सपोर्ट लिया और निफ्टी को हेल्प किया ऊपर जाने के लिए। कल भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी रिलायंस में एंट्री करना है 1128 के ऊपर। अगर वो सस्टेन होता है तो अच्छा सा और एक मूवमेंट मिल सकता है और उसमें अच्छे से शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। दूसरा जो स्टॉक था एस बैंक का, तो एस बैंक में देखिए ये भी अच्छा कवरिंग हुआ है, लेकिन अगर एस बैंक 225 के ऊपर कल जाता है तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, 238 तक जा सकता है। कौन सा भी स्टॉक है देखिए, मार्केट का कंडीशन देखिए या निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो ये स्टॉक में ट्रेड कीजिए। दूसरा एक कोटक महिंद्रा का, कोटक बैंक का ये था स्टॉक जो कि सपोर्ट से ही ऊपर आया, जो कि सपोर्ट है, सपोर्ट पे अच्छा से सपोर्ट लिया और अच्छा कवरिंग किया है। इसमें भी अगर आपको कल इंट्राडे करना है तो 1115 के ऊपर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मत कीजिए। इसमें भी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और भी जैसे कि SBI है, उसने भी हेल्प किया था। तो जो सेक्टर थे मोस्टली PSU बैंक, प्राइवेट बैंक जो है और ऑयल सेक्टर है, उसने आज निफ्टी को हेल्प किया था। तो कल आपको ट्रेड करना है तो वापस ये देखना पड़ेगा, प्लस डॉलर का रेट, जो डॉलर आज इतना बड़ा है 0.29 ऊपर है पैसे, और क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे था, तो ये दोनों को भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो तो। ये मेरा कल के लिए भी वह, जैसे कि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ या ज़्यादा स्टॉक नहीं लेता हूँ, तो ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं इतने स्टॉक अभी कवर करता हूँ। तो आपको मेरे जो डेली व्यू है उसको आप अच्छी तरह रिप्लाई दीजिए, लाइक भी दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा डेली व्यूज के वीडियो बना सकता हूँ। आपको अगर मेरे साथ आके टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे यहाँ IRI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंबई में आके सीख सकते हैं और आप मेरी तरह टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।